हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाई स्टार्टर इन फ्रंट ऑफ यू विद एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, आईसीआर, पीएमटी और गाइस एकेडमिक के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एकेडमिक के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following does not turn orange color? Of chromic acid to green? तो गाइस यहाँ पर देखिएगा, ए ऑप्शन 1 डिग्री अल्कोहल, बी ऑप्शन 2 डिग्री अल्कोहल, थ्री ऑप्शन 3 डिग्री अल्कोहल एंड फोर्थ ऑप्शन एलाइल अल्कोहल। तो गाइस यहाँ पर जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये क्रोमिक एसिड को ग्रीन करता है, ऑरेंज कलर कन्वर्टेड टू ग्रीन। देखो कैसे गाइस, देखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल of our resistance to oxidation, hence chromium ion are not formed and solution does not turn green। तो गाइस यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल तीनों का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट या विद द हेल्प ऑफ विक्टर नियर मेथड। लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला होता है गाइस ZnCl2+HCl। अगर यहां पर आप तीन अल्कोहल लेते हैं, सपोज करो आपको ये नहीं पता कि किस बीकर में कौन सा अल्कोहल है, तीनों बीकर में आप अलग अलग अल्कोहल ले लीजिएगा, तीनों में आप लुकास रिएजेंट डालिए। अगर ऑन द स्पॉट व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो 3 डिग्री अल्कोहल है, आफ्टर 5 मिनट आता है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आता है, हीट करने पर लगभग आधा घंटे बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये है गाइस कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। ये लुकास रिएजेंट अल्कोहल की रिएक्टिविटी भी बताता है कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल गाइस, और 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। इससे आप अल्कोहल की रिएक्टिविटी आराम से निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर है कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर गाइस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले तो डीनेचुरेशन का पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल होता क्या है। गाइस दोज अल्कोहल व्हिच इज यूज फॉर अनफिट फॉर ड्रिंक, यानी कि अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने के लिए, जैसे कि पीने लायक ना रहे, वो बोलता है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कैसे किया जाता है? अगर आप अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिक्स करें तो जहरीला हो जाता है, अनफिट फॉर ड्रिंक हो जाएगा। अगर आप कॉपर सल्फेट डालते हैं, कॉपर सल्फेट भी जहर होता है, पॉइजन होता है, तो गाइस ये भी अनफिट। और अगर आप पिरिडीन डालेंगे तो पिरिडीन इज आल्सो ए पॉइजनस सब्सटेंस। दैट्स व्हाई यहां पर अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन दिया है गाइस, इट इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग कमर्शियल मेथड अनफिट फॉर ड्रिंक। दूसरा दिया हुआ है कॉपर सल्फेट इज एडेड टू गिव द कलर ऑफ अल्कोहल एंड पिरिडीन इज एडेड टू गिव ए बैड स्मेल। तो ये सारे के सारे यूज होते हैं अनफिट फॉर ड्रिंक के लिए। तो इसका मतलब गाइस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीस, all of these guys। चलेगा next question की अगर हम बात करें, which of the following is insoluble in water? देखो कौन, पहला option दिया हुआ है first ethanol, second option ethoxyethane, third phenol and fourth pentane। तो guys यहाँ पर fourth option incorrect, fourth option correct है guys। क्यों? क्योंकि
एल्केन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. आप लिख सकते हैं कि पेंटेन डज नॉट फॉर्म एच बॉन्ड विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. फिफ्थ ऑप्शन की बात करते हैं. When glycerol is treated with excess of HI, it produces allyl iodide, propanol, glycerol or 2-hydropropane. तो गाइस यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. ये रिएक्शन होती कैसे है एक बार देख लीजिएगा. देखें यहां पर आप लीजिएगा ग्लिसरॉल. तो गाइस ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH और ये हुआ CH2OH. किसके साथ रिएक्ट कराएगा गाइस? HI के साथ. इसको HI के साथ आपको रिएक्ट कराना है. अब 3 मोल ले लीजिएगा HI के. 3 मोल लेंगे तो ये बन जाएगा CH2I, CHI और CH2I. आप इसको हीट करेंगे, I2 रिमूव हो जाएगा गाइस और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I. फिर इसको रिएक्ट कराओ HI के साथ, अगेन रिएक्ट विद दिस. और जब इसको HI के साथ गाइस रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है CHI आएगा यहां पर. HI के साथ आप इसको रिएक्ट करा रहे हो तो CHI CH2I. फिर इसको हिट कर दीजिएगा, I2 रिमूव होगा और ये बनेगा CH3CH2. अगेन रिएक्ट विद HI तो गाइस ये बन जाएगा CH3CHI और ये बना CH3. तो जो प्रोडक्ट बना गाइस हमारा वो होगा 2-hydro प्रोपेन. और गाइस ये होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से बनाएंगे. तो कौन क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है गाइस यहां पर? 2-hydropropane का. इसका प्रिपरेशन हो रही है यहां पर 2-hydropropane की हो रही है गाइस. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा यहां पर? सेकंड, फोर्थ ऑप्शन गाइस. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2. अगर एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो गाइस इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें, देखो मैकेनिज्म अगर यहां पर देखें हम तो इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है भाई. सबसे पहले लोगे आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2. H आपने लिया, एच कहां पर? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो गाइस बन जाएगा CH3CH CH3 और यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ NaR एल्कीन. इन द फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टेक्स, थर्ड दिया हुआ है. इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर टेक प्लेस ऑन कार्बोकैटायन, क्योंकि इसमें वाटर का अटैक करेंगे. बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेप में ये यहां पर अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है वाटर का. और इन लास्ट स्टेप
डीप्रोटोनेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म एन एल्कोहल, और इसके बाद प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये एनएआर के एग्जांपल नहीं है, इसका मतलब गाइस हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल द रिएजेंट व्हिच कैन बी यूज्ड आर, अगर हम रिडक्शन कराते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे गाइस कीटोन हो, तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं रिएजेंट, दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, Na(BH4), ये सारे रिएजेंट रिडक्शन में यूज होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, बिल्कुल सही है। Na(BH4) का भी यूज करते हैं और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी रिएजेंट यूज होते हैं रिडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्केलॉइड डज नॉट इन्वॉल्व CO बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिएगा गाइस, यहां पर ध्यान दो आप एक बार, अगर हम लेते हैं ROH, देखिएगा ROH, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहां से, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree alcohol, और अगर बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree alcohol, ये होता है। अब यहां पर अगर देखें तो गाइस यहां से बॉन्ड टूटेगा, OH, पूरा OH बाहर हो रहा है क्योंकि डार्जन रिएक्शन है, SOCl2 और HCl रिमूव हो जाते हैं। भाई देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आपने लिया CH3CH2OH, आप रिएक्ट करा रहे हो SOCl2 के साथ, तो क्या बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, इसका मतलब पूरा का पूरा बॉन्ड OH यहां से गायब हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, CH3CH यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है और ये CH3 PBr, भाई Br3 के साथ रिएक्शन करोगे तो यहां पर Br आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा OH ग्रुप रिमूव होता है। इसका फॉर्मेशन होगा CH3, यहां पर क्या लग जाएगा Br, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, ये है CH3COOH प्लस CH3CH2OH, तो अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से और यहां से H, यहां से, तो ये बन जाता है CH3COOC2H5 प्लस H2O, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है यही करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये ब्रेक यहां से नहीं होता, कहां से होता है ये OH, यहां से ब्रेक होता है गाइस, इसका मतलब यही ऑप्शन है। और लास्ट वाले में भी क्या होगा, H2O, यानी कि पूरा H यहां से और OH यहां से, ये रिमूव हो जाता है, तो इसके साथ भी रिएक्शन होगी, इसके साथ भी रिएक्शन होगी, इसके साथ भी OH बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन यहां से केवल यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट है। क्लियर है गाइस? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स, एल्केनोल्स इज मोस्ट सोलेबल इन वाटर, दोज एल्कोहल विच आर मोर सोलेबल इन वाटर, दोज एल्कोहल फॉर्म स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो यहां पर ब्यूटेनॉल, 2-butanol, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल और एन-ब्यूटाइल एल्कोहल, तो यहां पर जो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल है यही करेक्ट है गाइस, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्यों? क्योंकि सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ब्रांचेस, यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस व्हेन इंक्रीजेस द ब्रांच ऑफ एल्कोहल। तो सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें है? 3 degree alcohol, यानी कि टर्शियरी एल्कोहल में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस? हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्लियर है।
और ये भी है गाइस, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एल्कोहल देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑफ एल्कोहल गाइस। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात, टेंथ की बात करते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल गिव्स। तो गाइस यहां पर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखो, सोडियम रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल टू फॉर्म C2H5ONa+1/2H2। यहां पर गाइस सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है सोडियम का 23 होता है, तो कितने ग्राम हो गए सोडियम, 23 ग्राम। यानी कि 23 ग्राम का मतलब एक मॉलिक्यूल सोडियम का लेते हैं, सिर्फ एक मोल सोडियम का लेंगे, और एक मोल सोडियम का लेते हैं तो हाफ मोल हाइड्रोजन एमिट होती है। टू मोल सोडियम लेने पर एक मोल H2 रिमूव होगी फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो गाइस यहां पर ऑप्शन हमारा है फर्स्ट, हाफ मोल ऑफ H2। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, कल बात करते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।